सरवा ब्लॉक पर अट्ठासी ग्राम सभा के प्रधानों ने विकासखंड अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाकर किया धरना प्रदर्शन और साथ साथ नारेबाजी भी की वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि मनरेगा का मैटेरियल हम क्रेडिट पर दुकानदार से लेके काम करा रहे हैं लेकिन अभी तक हमें मनरेगा मैटेरियल का पैसा नहीं मिला और जब खंड अधिकारी से बात की तो हमें जवाब नहीं दिया जा रहा है प्रधानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने 18 करोड़ रुपए मनरेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का जो है भेज दिया है लेकिन अभी तक हम प्रधानों के खाते में एक भी पैसा नहीं आ पा रहा है दे अपना मेरा नाम दिनेश मदेशिया मैं ग्राम पंचायत जियापुर दक्षिणी विकास खंड तरमा से ग्राम प्रधान हूँ तो आप धरने बैठे हुए हैं क्या मांगे हैं आज ये हम सभी तरवा ब्लाक में कुल अट्ठासी ग्राम पंचायत है और हम अट्ठासी ग्राम पंचायत के समस्त ग्राम प्रधान आज धरने पर बैठे हैं और हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है और हम सभी प्रधानों की वैधानिक मांग है उस मांग को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम सभी प्रधान धरने से नहीं उठेंगे जैसा कि आप लोगों ने गेट पे ताला मारा हुआ है जी और काफी ब्लॉक क्षेत्र में परेशानियां हैं काफी कार्य रुके हुए हैं जी तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो काम रुका हुआ है काफी लोग तो परेशान है इस काम को लेकर ये जितनी परेशानियाँ हैं ग्राम पंचायत के विकास में जो अवरोधक हो रहा है जो अवरोध हो रहा है तो हम सभी ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत का विकास चाहते हैं और विकास कार्यों पर विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके इस पर हम लोग काफ़ी तेजी से कार्य कर रहे हैं और इस बार बड़े मज़े की बात है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे आजमगढ़ में 22 ब्लॉक है और बाईसों ब्लॉक में हमारे तरवा ब्लाक के ग्राम प्रधान नंबर एक पर काम कर रहे हैं और सारे प्रधान हमारे एनर्जेटिक हैं ऊर्जावान हैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं परंतु तरवा ब्लाक के कुछ सचिव कुछ टीए काम अपना नहीं कर रहे हैं जिसके कारण कुछ विकास का में अवरोध हो रहा है और सबसे बड़ी मांग जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रधान प्रतिनिधि ने बताया जामुडी के प्रधान प्रतिनिधि ने आपको बताया कि जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मांग इस समय ये हो गई है कि हम लोगों ने मनरेगा मटेरियल के तहत पक्का कार्य कई गाँव में एडवांस पूरा करा दिया गया है और बार बार समय समय पर खंड विकास अधिकारी महोदय आते हैं दिशा निर्देश जारी करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर बनाना गौशाला बनाना भूसा गोदाम बनाना और ये तमाम कार्य जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधान जी आप लोग साथ दे करके इस कार्य को प्रथम वरीयता के आधार पर कराइए और हम सभी प्रधानगण इन सभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अब प्रथम वरीयता के आधार पर उसको गति प्रदान करते हैं पूरा करते हैं दुकान और, से सामान उधार ले और ले दुकान से सामान हम लोग लो फर्म से सामान उधार ले लेकर के अपने पर्सनल व्यवहार पर लाते हैं लेकिन अब जब भुगतान दो तीन बार पैसा आ चुका हम लोग जब से प्रधान बने हैं और ब्लॉक की लापरवाही से ब्लॉक की शिथिलता से और ये हम लोगों का भुगतान नहीं हो सका जिसके कारण हम सभी प्रधानगण काफ़ी परेशान हैं पीड़ित हैं और तब हम लोगों ने मन बनाया है कि जब तक ये मनरेगा मटेरियल का भुगतान अब कब होगा कैसे होगा इसका जब तक पुख्ता हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिलेगा और इसका समाधान के लिए उच्च अधिकारी चाहे जिला अधिकारी महोदय चाहे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जब तक हम सभी को आश्वस्त नहीं करेंगे हम लोग धरने से नहीं उठेंगे बार बार पैसा नहीं आता है तीन महीना चार महीना नाम अपना प्रेम अर्चना सिंह हमारी पत्नी का नाम है मैं पति हूँ उनका जामुडी के ग्राम प्रधान है अर्चना सिंह जैसा कि आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं क्या मांग है आपकी हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों की पंचायत भवन की सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पंचायत भवन बनाने के लिए कहा गया 2019 में आईडी जनरेट की गई उसमें आईडी में ये हुआ कि नहीं आधा पेमेंट जो है मनरेगा से होगा आधा जो है मटेरियल से होगा और कुछ ऐसे एक दो गांव थे जिसका कि हंड्रेड परसेंट इक्कीस लाख इकहत्तर हज़ार मनरेगा से ही करना था जिसमें हमारा इक्कीस लाख इकहत्तर हज़ार मनरेगा से पेमेंट करना था जिसमें हमको चार लाख उनतीस हज़ार रुपया केवल न्यू स्तर तक में वो भी छः लाख ,00 की न्यू स्तर की पेमेंट थी चार लाख उनतीस हज़ार किया गया तब से आज तक सारे प्रधानों का मनरेगा का कोई पेमेंट नहीं हुआ है एक दो गाँव को छोड़ करके दो एक लाख रुपया मनरेगा का कोई पेमेंट नहीं हुआ है मनरेगा का पेमेंट बार बार हम लोगों से से फाइल बनवाई जाती है कंप्लीट कराई जाती है कि फाइल कंप्लीट हो जाए ये हो जाए वो हो जाए मतलब कभी वीडियो बदल जाते हैं कभी कुछ हो जाता है आज तक हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ गौशाला हम लोगों से बनवाई गई कि गौशाला जो है सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि गौशाला आपको बनवाना ही बनवाना है हम लोग गौशाला बनवा के तैयार कर दिए मौलानीपुर में जियापुर में ये जियापुर के प्रधान है इनके यहां गौशाला बना दी गई वहां बना दी गई सारे जगह बना दी गई लेकिन एक भी पेमेंट नहीं किया गया बहुत आशा में हम लोग थे कि कल जो है पैसा जो है अठारह करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के लिए अलर्ट हुआ था कि अठारह करोड़ रुपया अलर्ट किया जा रहा है इसमें पेमेंट किया जाएगा लेकिन हम हम लोगों का एक और हम लोग वीडियो साहब से कहते रह गए कल कहे कि मैं तो तर्मा के उसका गेट ही नहीं देखा हूं तो कैसे डोंगल दे दूं कैसे पेमेंट कर दूं कितने प्रधान दू इतने अभी धरने बैठे, धरने पे बैठे हुए हैं अठासी ग्राम सभा के प्रधान हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और तालाबंदी किए हैं कि हम लोगों का अगर पेमेंट नहीं किया जाएगा तो या उच्च अधिकारी आके हमको पहले संतुष्ट करें कि हम लोगों का पेमेंट क्यों नहीं किया गया कि किस स्तर पे पे हम तीन बार ऐसा हुआ है तीन बार मतलब कोई अधिकारी बदल जाता है तो उसका डोंगल बदल जाता है जब तक जांच करते हैं यहाँ व्यक्ति प्रधान है कि मतलब पद प्रधान है हम यही नहीं समझ पा रहे हैं नहीं नहीं हम लोग किए हैं सभी प्रधानों ने तो ये पेमेंट जो आप लोगों का रुका हुआ है हाँ, तो क्या आपको जानकारी है कि पेमेंट आपका कहाँ से रुक रहा है वीडियो साहब के स्तर से डोंगल नहीं दिया कल जो है इसके लिए एम आई एस हो गया, लो लो. लो गया सारी फाइलें एम आई एस होकर रुकी हुई है स्तर से डोंगल नहीं दिया गया इसलिए हमारा हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ सत्यापन भी हो गया है भौतिक सत्यापन तीन तीन चार चार बार करा लिए हैं तो ये धरना कब तक आप लोग करते हैं जब तक उच्च अधिकारी आश्चितकालीन है जब ये धरना अनिश्चितकालीन है उच्च अधिकारी हम लोगों को आके पहले बताएं कि क्यों ऐसा किया गया कि हमारा पेमेंट हम लोगों का नहीं किया गया कई ब्लॉक का किया गया हमारा क्यों नहीं किया गया मुख्य रूप से आपकी मांगे क्या है मुख्य रूप से मांगे वही हम लोगों का मनरेगा का पेमेंट किया जाए समय से भुगतान हो लेबर का समय बुक्तान से भुगतान जाए आपके द्वारा जो ग्राम सभा में कार्य किए जाते हैं उसका पेमेंट होता है और जो निधि में पैसा रहता है वो पेमेंट होता है ग्राम प्रधान स्तर से ग्राम प्रधान स्तर से जो निधि में और निधि में भी सरकार से हम मांग करते हैं कि निधि में ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोगों का निधि में पैसा एक रुपया नहीं बच रहा है कुछ काम करने के लिए सारा वेतन में चला जा रहा है पैसा किस अधिकारी रैंक से आप संतुष्ट रहेंगे डीएम जिलाधिकारी महोदय आए हम लोगों को बताएं कि मतलब ये स्थिति कैसे चलेगी हम लोग कैसे काम करेंगे काम तो सेक्रेटरी तो लोगों को करना है जो हाँ वो लोगों को करना है हम लोगों से काम करा के हम लोगों का पेमेंट नहीं किया गया अगला धरना